आपने ये दवाई किस बीमारी के लिए लिए थी? थायमेट के लिए। अच्छा, थायराइड के लिए आपने ये दवाई लिया था। तो ये कितने दिन से ले रहे हो आप? एक महीना हुआ। अच्छा, महीना हुआ है। हाँ। तो अब आपको कैसा, तो अब आपको कैसा लग रहा है? अच्छा है। अच्छा है, पहले से आराम है। हाँ। और क्या क्या फायदे हुए हैं आपके इससे? फायदा है बहुत पहले से। क्या क्या फायदे है? कोई यानी कि फायदा बताइए। मतलब ज्यादा फूलल था, गोड़ा तो पच गया है। ओके। और अच्छा, तो माता जी अपना परिचय दीजिए पहले। हमारा नाम है शांति देवी। ओके। और आप कहाँ रहते हो? माजरा में रहती हूँ, चंडीगढ़। अच्छा, तो माता जी आपने आरपल्स किस बीमारी के लिए लेना शुरू किया था? वो गैस के लिए, गैस बनती थी, कब्जियत होती थी। ठीक है, तो अभी आप कितने दिन से आरपल्स ले रहे हैं? ले रही हूँ महीने से। अच्छा, महीने से ले रहे हो। हाँ, तो अभी आपको आरपल्स पी के कैसा महसूस हो रहा है और आपकी बॉडी में क्या आपको लग रहा है? लग रहा था जो ठीक हो रहा है हमारे। ओके। और अभी पहले से, और यानी पहले से बेहतर लग रहा है? हाँ जी, हाँ जी। और क्या फर्क लग रहा है आरपल्स पी के आपको? जो गैस बनती थी वो बनना बंद हो गया। ओके। और कब्जियत होती थी वो भी लग रहा था ठीक है। ठीक है। तो आरपल्स के बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? अच्छा है। अच्छा है। पीने में कैसा लगता है आपको? ठीक लगता है। अच्छा, ठीक लगता है। इसका स्वाद कैसे आता है आपको? स्वाद लगता है थोड़ी सी खट्टी ऐसे लगती है। खट्टा तो जैसे अपनी जो बेरीज होती है ना, जैसे जो अपनी अकाई बेरी है, स्ट्रॉबेरी है, थोड़ा सा उनके अंदर नेचुरल खट्टापन होता है। तो वैसा, तो वैसे आपको ऑल ओवर, आप दर्शकों को कुछ आरपल्स के बारे में बोलना चाहोगे? हाँ जी, बोलना चाहूँगी। बताइए। हमें अच्छा लगा, आपको भी ये पीना चाहिए, लेना चाहिए। हाँ, आपको भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। हेलो, नमस्कार साथियों। आज मैं हालू माजरा चंडीगढ़ में एक फैमिली के साथ आया, यानी कि एक फैमिली के पास आया हूँ। तो ये माता जी हैं, ये मैम है। इन्होंने आरपल्स को अपने जीवन में स्टार्ट किया था, दो ढाई महीने पहले लेना शुरू किया था। माता जी को डाइजेशन की प्रॉब्लम थी, मैम को थायराइड की प्रॉब्लम थी, तो उस वजह से। तो आज जब इनकी तरफ से मुझे आया कि अब थोड़ा रिलीफ इनको स्टार्ट हो चुका है, भी पहले से इनको आराम आना स्टार्ट हो गया, तो आज मैं फैमिली से मिलने आया था। स्पेशली अभी रात के 9 बजे का टाइम होगा, मैं स्पेशली आके इनसे मिला, आरपल्स के बारे में भी पूछा, इनके बारे में पूछा भी क्या दिक्कत थी पहले, क्या आपको लगा। तो इन्होंने बड़े अच्छे से बताया कि जो पहले ये जो इनको प्रॉब्लम थी और उसको लेने के बाद अब इनको जो भी रिलीफ है। तो आज मैं दर्शकों को यही बताना चाहता हूँ, जो आरपल्स है वो पहले भी मैंने बहुत बार बताया, मेरी पहले भी की वीडियो में भी सभी ने जाना है। आरपल्स, कई लोग आरपल्स को एज ए दवाई के रूप में जानते हैं, तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ, दिस इज़ नॉट ए मेडिसिन। ये कोई दवाई नहीं है, ये एक जूस है। ये 24 प्रकार की बेरीज से बना हुआ एंटीऑक्सीडेंट जूस है, जिसके अंदर हमारी मेनली अकाई बेरी, मलबेरी, एल्डरबेरी, लोगान बेरी, स्ट्रॉबेरी, गोजी बेरी, ऐसी ऐसी बेरीज का ये जूस है और उससे ये बनाया गया है। और ये एंटीऑक्सीडेंट और ये डिटॉक्सीफायर है। जैसे माता जी को डाइजेशन की प्रॉब्लम थी, इनको थायराइड का इश्यू था, तो एक्चुअल में ये क्या काम करता है, ये हमारे शरीर में जो हमारे सेल्स में, कोशिकाओं में जो ब्लॉकेज होती है उनको डिटॉक्सिफाई करता है, उनको सफाई करता है, और जो सारी शरीर की गंदगी है वो हमारे मल मूत्र के द्वारा बाहर निकाल देता है। जैसे आप सबको भी पता है कि जब शरीर की शुद्धिकरण होएगी, जब शरीर एकदम अंदर से स्वस्थ होएगा, तो बीमारियाँ उसको घेर ही नहीं पाएगी। और अगर वो कोई मेडिसिन ले रहे हैं, किसी प्रकार की दवाई का यूज़ कर रहे हैं, तो आधी से ज़्यादा दवाइयाँ तो वैसे ही छूट जाती है। जब हमारा शरीर साफ़ होता है, हमारा शरीर एक सुरक्षा कवच बन जाता है कि कोई भी वायरस उसके अंदर एंटर नहीं कर सकता, तो उसी प्रकार ये आरपल्स यानी कि काम करता है। अब दर्शकों को मैं ये बताता हूँ कि आरपल्स लेना कैसे होता है। आरपल्स हमने सिर्फ ये एक ढक्कन इसका 20 ml का है, ये 20 ml आरपल्स
हमने लेनी होती है सुबह खाली पेट। इसके अंदर ये जो ढक्कन है ये 30 ml का ढक्कन है, इसके अंदर 30 ml गुनगुना पानी हमने डाल लेना है। गुनगुना पानी डाल के और ये मिला के इसको जो ये 20 ml इस ढक्कन का और 30 ml जो ये बना है, ये 50 ml जो टोटल है, इस 50 ml को मैंने ऐसे ही बैठ के सुबह खाली पेट जब भी हम उठते हैं, उठ के हमने कुल्ला नहीं करना है, सबसे पहले ये हमें बिना कुल्ला किए सिप सिप करके पीना है और ये 3 से 4 मिनट में ख़त्म करना है। ये सबसे इसकी गहरी बात होती है कि ये असर कब करता है, जब इसकी हर घूंट के साथ हमारी मुंह का लार्वा अंदर जाता है तो वो एक अमृत, एक जड़ी बूटी के रूप में काम करता है और हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियों पे अटैक करके उनको ख़त्म करता है। तो ये जो 50 ml जूस बना है, ये जो सिरप मान लो जो ये बना है जूस, इसको हमने 3 से 4 मिनट में सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा करके अंदर लेना है और इसके बाद हमें 45 मिनट तक कुछ भी खाना नहीं है। इसके बाद 45 मिनट तक हमें कुछ भी खाना नहीं है। हाँ, हम पी सकते हैं गुनगुना पानी, हम पी सकते हैं। और दिन में अगर आप, जैसे हम कहते हैं कि फ़ास्ट फूड अवॉइड, वो तो सभी को पता है फ़ास्ट फूड अवॉइड करनी होती है, और साथ में डेयरी प्रोडक्ट जो पैकेट फूडिंग आती है, जो डेयरी के प्रोडक्ट होते हैं, अगर आप उसको भी अवॉइड करते हो तो इसके बेहतरीन रिजल्ट आपको विद इन 1 वीक में देखने को मिलते हैं। जो हमारी सलाद होती है, फ्रूट होते हैं, हम कहते हैं कि भोजन के साथ हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाने चाहिए, सलाद खाने चाहिए और जूस का सेवन करना चाहिए। अगर हम ऐसे हर अपनी दिनचर्या में फलों का रस नहीं पी सकते तो आरपल्स को हम अपने डेली रूटीन में यूज़ करके 20 ml भी अगर ले तो धीरे धीरे हमारे शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन करके हमें और हमारी फैमिली को स्वस्थ रखें इनकी रखता है। आरपल्स मंगाने के लिए हमारे दिए गए नंबरों पर और वेबसाइट पर जाकर आप आरपल्स खरीद सकते हैं। धन्यवाद।